बच्चों आप जानते ही हैं कि अवकलन पढ़ने के बाद जो है आप अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अवकलज के अनुप्रयोग में आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है उच्चिष्ट और क्या है निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड क्या है मिनिमा। इसमें इस वीडियो में हम आपको जो है पहले मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित उसकी थ्योरी समझाने का प्रयास करते हैं, सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको प्रश्न सीरीज मिलेगी। तो आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान हमारा जो है मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ देखिए, यदि हम मान लें कि एक फलन एफ एक्स है जो किसी अंतराल आई का मतलब इंटीजर्स है, पूर्णांक है, अंतराल आई में क्या है परिभाषित है, तो एफ एक्स का अंतराल आई में उच्चिष्ट मान होगा। इस फलन एफ एक्स का अंतराल आई में उच्चिष्ट मान होगा कब, जब प्रतिबंध यह हो कि यदि अंतराल आई में किसी बिंदु ए का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात एफ ए जो है वह फलन एफ एक्स से बड़ा हो या उसके क्या हो बराबर हो, जहां यक्ष जो यहां लिया गया है चर राशि, इस यह प्रत्येक यक्ष जो भी वैल्यू ली जाए वह जो है पूर्णांक आई से क्या हो बिलोंग करता हो। यहाँ संख्या एफ ए को जो है क्या कहते हैं, तक दिए गए अंतराल आई में एफ एक्स का उच्चिष्ट या उच्चतम, उच्चिष्ट कहिए उच्चतम कहिए या महत्तम मान कहिए अथवा निरपेक्ष उच्चतम मान कहिए, बात एक ही है, तथा ए को उच्चतम बिंदु कहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कहा जाता है। अब हमारा है इसी तरह से बच्चों निम्निष्ट मान, मिनिमम वैल्यू। एक फलन एफ एक्स जो कि अंतराल आई में परिभाषित है, तो एफ एक्स का अंतराल आई में निम्निष्ट मान होगा यदि अंतराल आई में किसी बिंदु ए का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ ए, यहां ध्यान देने वाली बात है, एफ ए लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स, जहां प्रत्येक एक्स बिलोंग कर रहा हो किससे आई से, तब यहां संख्या एफ ए को दिए गए अंतराल आई में एफ एक्स का निम्निष्ट या निम्नतम या क्या है न्यूनतम मान या अथवा निरपेक्ष न्यूनतम मान कहते हैं, तथा ए को निम्नतम बिंदु कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सट्रीम वैल्यू अर्थात चरम मान। चरम मान क्या है, फलन एफ एक्स के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मानों को, जो फलन के एफ एक्स के हमें उच्चिष्ट मान प्राप्त हो या निम्निष्ट मान प्राप्त हो उसे ही हम क्या कहते हैं फलन का जो है कि चरम मान कहा जाता है। एक है हमारा टर्निंग पॉइंट, माने कहने का मतलब ये कि वर्तन बिंदु। तो वर्तन बिंदु किसे कहते हैं, ऐसे बिंदु जिन पर एफ एक्स के मान उच्चिष्ट या क्या हो निम्निष्ट हो वो चरम बिंदु या वर्तन बिंदु कहलाते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है बच्चों अगला कि देखिए यह सब जो है सिद्धांत आपको जो है जब यह प्रतिबंध इस तरह से बताए जाएंगे प्रश्न में सवाल में तो ज्यादा जो है कि प्रक्रिया समझ में आएगी। तो इन सब चीजों को पढ़ना अति आवश्यक है कि ये सब चीजें हैं क्या। देखिए अस्थानीय उच्चिष्ट बिंदु, अस्थानीय उच्चिष्ट बिंदु में जैसे यह हमारा एक फलन है, यहाँ जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है यह एक फलन को प्रदर्शित कर रहा है और यह फलन के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हमने माना कि यह एक जो है वास्तविक फलन है जो अंतराल आई में क्या है परिभाषित है, तथा सी इस अंतराल के अंदर जो है का कोई ऐसा बिंदु है इस प्रकार हो कि यदि एक ऐसे एच ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व हो कि सी के समीप, जब सी के समीप चलोगे तो अगर दाहिने बढ़ोगे तो ज्यादा होगा सी प्लस क्या है एच, और बाएं आओगे तो कम होगा सी माइनस एच, के सभी मानों के सभी बिंदु एक्स के लिए एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एफ एक्स हो, तब एफ सी जो है हमारा फलन
यह x का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है तथा x बराबर c को स्थानीय उच्चिष्ट मान का बिंदु कहते हैं, अर्थात x बराबर c स्थानीय उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा यदि h एक धनात्मक अति अल्प राशि इस प्रकार हो कि f c माइनस s c माइनस h लेस देन f c ग्रेटर ग्रेटर देन f c प्लस h। इस स्थिति में f c जो है फलन f का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है। यदि हम देखें कि बिंदु c माइनस h पर देखें, ये जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है f डैश x ग्रेटर देन जीरो होगा, c प्लस h वाले पॉइंट पे f डैश x लेस देन जीरो होगा मतलब प्रथम अवकलन की वैल्यू, और पॉइंट हमारा जो है सी और सी प्लस एच पे जो है कि एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर होगी। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है तो उसको जैसे बच्चों जैसे आपने स्थानीय उच्चिष्ट के बारे में देखा बिंदु के बारे में, उसी तरह से स्थानीय निम्निष्ट बिंदु के बारे में बताया जा रहा है। दोनों टॉपिक बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना। यहाँ ग्राफ देखिए, यह वक्र हमारा है ना, ये निम्निष्ट के लिए और उच्चिष्ट के लिए यह सेम आपको दिखाई गई थी। हमने मान लिया ठीक उसी तरह से सेम प्रोसेस है कि यह एक वास्तविक फलन है जो अंतराल आई में क्या है परिभाषित है तथा सी इस अंतराल के अंदर कोई बिंदु है। यदि एक ऐसे यच की हम कल्पना करें कि यच का मान बड़ा हो, किससे जीरो का अस्तित्व हो, जिसके अस्तित्व है कि सी के समीप, सी के समीप अगर हम चलोगे तो हमने बताया कि बाएं चलोगे तो कम होगा सी माइनस एच, और यक्स यहाँ दाहिने चलोगे तो यक्स बराबर सी प्लस क्या होगा यक्स। के सभी बिंदुओं के लिए यक्स के लिए यक्स सी लेस देन आर इक्वल टू क्या हो यफ एक्स हो, तब यफ सी फलन यफ एक्स का स्थानीय निम्निष्ट मान कहलाता है तथा यक्स बराबर सी को स्थानीय निम्निष्ट मान का बिंदु कहा जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ले गणितीय भाषा में तो यक्स बराबर सी स्थानीय निम्निष्ट मान का बिंदु होगा यदि यच एक धनात्मक अति अल्प राशि इस प्रकार हो कि यफ सी माइनस एच ग्रेटर देन यफ सी लेस देन यफ सी प्लस क्या है यच। इस स्थिति में यफ सी फलन यफ का स्थानीय निम्निष्ट मान है। अब आइए एक प्रमेय आपको समझाते हैं कि हमने मान लिया कि माना एक फलन यफ एक्स विपरीत अंतराल आई में परिभाषित है तथा सी बिलोंग कर रहा है किससे आई का कोई बिंदु है। यदि एक्स बराबर सी पर फलन यफ एक्स का चरम बिंदु है तो यफ डैश सी बराबर जीरो होगा या यफ एक्स बिंदु सी पर अवकलनीय नहीं होगा। यह प्रमेय भी काफी महत्वपूर्ण है जब सिद्ध करने के लिए इस तरह की व्यवस्था है। अब जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है, प्रथम अवकलन परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है कि हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।